Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो guys, last video में आप लोगों ने देखा था कि हम एक racing tournament में हिस्सा लेने वाले थे, जिसमें हमको 200 मिलियन डॉलर का विनिंग प्राइस था. तो भाई वो रेस हम फर्स्ट प्राइस से वो रेस हम जीत गए थे. तो उस रेस में डगन बॉस और एल रूबियो, उनके अलावा बहुत सारे रेसर थे जो उस रेस में हिस्सा ले रहे थे. तो गाइस यार, जैसे ही हमने वो रेस विन करी ना भाई, डगन बॉस को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ और वो अपने टेररिस्ट लेके पहुंच गया उसी बंदे के घर पे जो हमको रेस के विनिंग प्राइस देने वाला था. वो बंदा भी मुझे पेमेंट दे ही रहा था. उसका एक टेररिस्ट, उसने स्नाइपर बजाई बंदे के सीधा हेड पे. मतलब बंदा मुझे पेमेंट कर ही रहा था, डायरेक्ट पेमेंट मुझे हाथ, पेमेंट मेरे हाथ में आते ही बंदे का डायरेक्ट हेडशॉट बजा दिया. तो भाई उसके बाद डगन बॉस ने उस पूरे घर पे कब्जा कर लिया था और माइकल के पास ऊपर से वेपन्स भी नहीं थे. देन उसके बाद ट्रेवर आता है, हमारा अच्छा दोस्त ट्रेवर आता है. भाई वो सबको मारता है, आरपीजी मारता है. इतने में डगन बॉस देख के डर के भाग जाता है. तो भाई हम माइकल जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, फिर भाई हो जाता है एकदम से लॉस्ट गैंग का अटैक. देन उसके बाद हमको वही ये चोर मिलता है जिसने हमारी गाड़ी चोरी करी थी, जो हमने मिलिट्री कर्नल को दी थी. वो चोर जो है वो हमारे घर पे अटैक करता है. यही चोर वो है जो हमारे घर पे अटैक करता है. मैं इसके पीछे पीछे भागता हूँ, ये हेलीकॉप्टर लेके भागता है, मैं इसके पीछे हेलीकॉप्टर लेके भागता हूँ. देन ये मेरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर देता हूँ, मैं ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरता हूँ. उसके बाद भाई ये देख रहे हो मेरी क्या हालत हो गई है. तो ओके गाइस यार, इस बंदे ने भाई मुझे इतना ज़्यादा मारा ना कि माइकल से तो अब खड़ा भी नहीं होया जा रहा, और ये बंदा मुझे फिर से अभी रेंच दिखा रहा है मेरे को मारने के लिए. भाई ये बंदा सच्ची में बहुत ज़्यादा पावरफुल है. बस भाई अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा मेरे साथ क्या करना क्या चाहता है. तो भाई साहब अभी ये करना क्या चाह रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा. ओ भाई, इस बंदे ने तो मेरे को उठा लिया भैंस की. भाई एक तो माइकल की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो रखी है, माइकल से चला भी नहीं जा रहा और इस बंदे ने मुझे कंधे पे उठा लिया भैंस की. ये बंदा मेरे साथ क्या करना चाहता है, और ये हेलीकॉप्टर इसी बंदे का है. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये बंदा क्या करना चाहता है. और माइकल की इतनी ज़्यादा लिटरली बुरी हालत हो चुकी है, माइकल से चला भी नहीं जा रहा. अब मुझे लग रहा है ना आज तो माइकल नहीं बचने वाला, ये चोर भाई माइकल को बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला. तो भाई साहब इस बंदे ने मेरे को अपने साथ हेलीकॉप्टर में भाई बिठा लिया, बांध के बिठा के रखा है भाई इस बंदे ने मेरे को. और ये बंदा मुझे पता नहीं कहाँ पे लेके जाना चाहता है. तो गाइस हम चलते चलते काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुके हैं और बारिश भी रुक चुकी है, बट ये बंदा मुझे कहाँ पे लेके जाना चाहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. भाई ये बंदे, मेरे को बहुत डर लग रहा है इस बंदे से. मैंने सोचा भी नहीं था ये एक सिर्फ चोर भाई इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है. भाई एकदम से इसने मेरे घर पे अटैक करवा दिया था, और ये बंदा भाई बहुत सारे गैंग्स को जानता है. मुझे लग रहा है डगन बॉस और एल रूबियो भी भाई इस बंदे की मदद लेंगे ही लेंगे, क्योंकि डगन बॉस के अगर आज तक हम डगन बॉस के ऐसे हाथ में नहीं आए, एल रूबियो के भी ऐसे हाथ में माइकल कभी नहीं आया, बट भाई इस चोर ने आज माइकल को मिनटों में हरा दिया. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, हमारी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है, और डगन बॉस और एल रूबियो तो पक्का इस चोर के साथ हाथ मिलाने वाले हैं. अब ये चोर मुझे कहाँ पर लेके जा रहा है, ये तो मेरे ही घर के आसपास आ गया. ये चोर क्या करना क्या चाह रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को. बट ये लेके कहाँ जाना चाह रहा है मेरे को, हेलो कहाँ लेके जा रहा चाह रहा है भाई ये. एक सेकंड भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है. तो ओके, यहाँ पे इसने अपना हेलीकॉप्टर उतारा है. वेट अ मिनट गाइस, देखते हैं. एक तो माइकल से बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा, और ये चोर बाहर आ गया है. और भाई साहब इस चोर ने मेरे को बाहर निकाल लिया. भाई मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा मेरे से. अब ये बंदा मुझे यहाँ पे लेके आया कहीं पे, मुझे ये समझ में नहीं आ रही ये लेके कहाँ जाना चाहता है, और ऊपर इसने अपना हेलीकॉप्टर लगा दिया, और ये कहाँ पे जा कहाँ पे रहा ये बंदा. बट यार गाइस, माइकल की सच्ची में लिटरली बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी. ओ भाई ये तो हमारी गाड़ी है भाई,
जो इस चोर ने हमारे से चोरी करी थी, और ये तो ये रही गाड़ी। भैंस की भाई, ये तो हम ये वही गाड़ी है जो हमने मिलिट्री कर्नल को गिफ्ट करी थी। भाई यार, ये तो बहुत ही गलत सीन है यार हमारे साथ। तो भाई साहब, अब ये बंदा मुझे कहाँ पे लेके आ गया है, ये समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई, यहाँ पे लेके आ गया। वेट अ मिनट भाई, ये बंदा करना क्या चाहता है मेरे साथ? भाई ये बंदे ने मेरे को कहाँ पे ऐसे गिरा दिया, और लिटरली अब देख पा रहे हो भाई, मेरे से तो बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा। बट यार गाइस, मेरे को उठना पड़ेगा अभी, तो जैसे तैसे मर्जी करके मेरे को उठना पड़ेगा और इस बंदे के एक बचाना पड़ेगा। तेरी ऐसी की तैसी, तू मेरे को कहाँ लेके आया? तेरी भाई सब, इसके हाथ में रेंच है भाई। ओ भाई, तेरी ऐसी की तैसी। भाई ये क्या हुआ था एकदम से माइकल को? भाई बहुत जोर से मार रहा है ये बंदा। एक सेकंड, मुझे उठना पड़ेगा जैसे तैसे भाई, बट मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं है, उठने की हिम्मत नहीं है मेरे पे। कुछ ना कुछ करके मुझे उठना तो पड़ेगा। ये बंदा कैसे कर रहा है? तेरी ऐसी की तैसी, तूने कहाँ पे भैंस की? ओए ते ओ भैंस की भाई साहब, फिर भी इसको छोड़ूंगा नहीं। ओए भाई, माइकल की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। ओ भाई, ना 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 ना, फिर भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जितना दम है फिर भी लगाऊंगा मैं बहुत ज्यादा। बट गाइस, इसने इस बार मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा जोर से मार दिया और माइकल की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई है। भाई साहब, ये बंदा मुझे मारते जा रहा है और कितना मेरा खून जो है ना वो नीचे गिर चुका है। अब तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है मेरे लिए यहाँ से निकलना। और भाई ये बंदा अभी बाहर जा रहा है, तो भाई ये बंदा बाहर जाके यहाँ पे एक स्क्रीन लगी है, वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट अभी मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, मेरे से तो भाई खड़ा भी नहीं हो जा रहा। तो गाइस यार, मुझे ना अभी जिस मर्जी हालत में मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा और मुझे यहाँ से बाहर भी जाना पड़ेगा। ये दो लॉस गैंग के बंदे कब आ गए भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं। बट यार गाइस, उस बंदे ने मेरे को बहुत जोर जोर से मारा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई उठने की, तो भाई एकदम से मैं उठ तो गया और इनका ध्यान मेरी तरफ भी नहीं है। भैंस की भाई, इस बंदे ने इस गेट को लॉक लगा दिया। अभी मुझे अंदर ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लॉस गैंग के बंदे अंदर आए मुझे देखने के लिए। तो गाइस, मुझे ना अभी कुछ सोचना पड़ेगा। ये टूल के वगैरह तो पड़े हैं, बट ये भाई लॉस गैंग के बंदे मुझको मारने ना लग जाए, ये टूल में से मुझे कोई टूल ऐसा उठाना पड़ेगा जिसमें से मैं ये गेट तोड़ पाऊँ। बट अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मुझे भाई कोई ऐसा टूल तो ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं ये गेट को खोल पाऊँ। बट अभी देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा टूल है जो भाई इस गेट को खोल पाए। भाई कौन सा ऐसा टूल है? ओ भाई, ये बंदा दोबारा आ गया। भैंस की, अभी इस बंदे ने मेरे को देख लिया खड़ा हुआ, तो ये बंदा फिर से मेरे को मारेगा। भाई भाई भाई, अब मैं क्या करूं? भाई ये बंदा फिर से मेरे को मारने लग गया। भैंस की भाई साहब, ये बंदा कितना ऐसा भाई कितना मार रहा है माइकल को। जब भी देख रहा है कि माइकल खड़ा है तो भाई ये आ जाता है मारने के लिए माइकल को। और ये बंदा अभी पता नहीं लॉस गैंग के बंदों के साथ बात भी कर रहा है कि तुम इसको जाने मत देना। बट गाइस, अभी मुझे ना जिस मर्जी हालत में इससे यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। आई थिंक ना ये अभी लॉक लगाना भूल गया। वेट अ मिनट, मुझे लग रहा है ये लॉक लगाना भूल चुका है। एक सेकंड, मैं खड़ा होता हूँ जैसे तैसे मर्जी करके। कोशिश करनी पड़ेगी भाई मुझे खड़े होने की। वेट अ मिनट, मैं खड़ा हो चुका हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। तेरी भाई, मैं यहाँ से बाहर के निकलना, ये मुर को मारने लग गए। बट मैं इनकी पूरी बैंड बजाऊंगा, अब तो मुझे यहाँ से निकलना। ये भी माइकल को जानते नहीं है कि माइकल में कितना दम है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी, ये बैट लेके ही मैं तुम लोगों को मारूंगा। तो चलो गाइस, मैं यहाँ से अभी ना जल्दी जल्दी निकलता हूँ। तो ओके गाइस, हमने जो है ना भाई लॉस गैंग के बंदों को मार दिया है। और गाइस, मेरी गाड़ी भैंस की भाई, इस गाड़ी को तो मुझे लेके जाना पड़ेगा भाई। ये गाड़ी इस चोर के पास नहीं रहनी चाहिए, इस गाड़ी को तो भाई मैं अपने पास रखूंगा। बे डोर बंद हो जा, एक सेकंड। तो गाइस, इस गाड़ी को तो ना मैं अपने पास रखूंगा। देख पा रहे हो कितनी ज्यादा लग्जरी कार है ये जो हमने मिलिट्री कर्नल को गिफ्ट करी थी। मिलिट्री कर्नल के पास से ये बंदा गाड़ी कैसे लेके आ गया? बट भाई, अभी मुझे ये गाड़ी को किसी भी हालत में लेके ही जाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये गाड़ी के मुझे कहीं ना कहीं तो लेके जाना पड़ेगा। गाइस देख पा रहे हो क्या ही बेहतरीन गाड़ी लग रही है।
और भाई अब तो यार उस चोर को तो मजा चखाना पड़ेगा भाई। उस चोर ने ना हमारे साथ बहुत गलत किया है और माइकल की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो रखी है ना, माइकल से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। तो गाइस यार अभी ना जिस मर्जी हालत में मुझे यहाँ से ना बच के जाना पड़ेगा, बट गाइस अभी उस चोर को तो मैं छोड़ने नहीं वाला। वो चोर भाई हमारी पहले तो गाड़ी लेके गया, उसके बाद दुबई में मेरी ही गाड़ी से मुझे हराया, देन उसके बाद अब हमारे साथ पंगे ले रहा है, मेरे घर पे लॉस गैंग का अटैक करवा रहा है। इस चोर को तो मैं छोड़ने नहीं वाला भाई, डगन बॉस हेल रूबियो, इनका तो मैं करने ही वाला हूँ। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो ना कि माइकल इन प्रॉब्लम्स में से जल्दी से निकल जाए, तो जाओ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने जल्दी गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करोगे ना, उतनी ही जल्दी माइकल इन चोर, डगन बॉस और एल रूबियो तीनों को खत्म करेगा। तो चलो गाइस अभी ना हमको यार जल्दी से जाना होगा और भाई इन सब से पंगे लेने का मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। गाइस मैं इस वीडियो में एम करता हूँ ओनली 10,000 लाइक और 1500 कमेंट का। भैंस की ये कौन था भाई, ये कौन था, किसी ने टक्कर मारी भाई बहुत गंदी, बच गए बटम। तो गाइस यार जल्दी से जाओ आज का लाइक एम और कमेंट एम जल्दी कंप्लीट करवा दो। आप जितनी जल्दी कमेंट एम और लाइक एम जल्दी कंप्लीट करवाओगे ना, उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी यार मेरे चैनल पे। तो जल्दी से जाओ यार 10,000 लाइक और 1500 कमेंट का लाइक एम जल्दी से कंप्लीट करवा दो। भाई साहब मैं गाड़ी थोड़ी सी ढंग से चला नहीं रहा हूं और अभी ना मुझे गाइस इस गाड़ी को अपनी घर की तरफ लेके जाना है। मैं भाई टॉर्चर रूम से बहुत मुश्किल से बच के आया हूं, तो चलो गाइस मैं जल्दी से निकलता हूं अपने घर की तरफ। तो बाकी गाइस देखते हैं भाई, डगन बॉस पे भी अटैक करवाना पड़ेगा। अभी मुझे अपने लिए बॉडीगार्ड और ट्रेवर फ्रैंकलिन ये सब इकट्ठे करने पड़ेंगे, लेस्टर से भी मिलना पड़ेगा, माफिया अंडरवाटर माफिया और बिग माफिया इनको भी हॉस्पिटल से छुड़वाना है। भाई कौन था ये, किसने टक्कर मारी भाई, ये कौन है, अबे ये तो भाई चोर है भाई, ये चोर कहाँ आ गया, भैंस की इसकी, ये चोर भाई मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गया, एक सेकेंड। अबे यार एक तो मेरी गाड़ी की बुरी हालत हो गई, कोई बात नहीं इसको रिपेयर करवा लेंगे, बट गाइस ये चोर अभी आ गया मुझे यहाँ से अपनी गाड़ी को भगा के निकलना पड़ेगा भाई, ये चोर अभी बदला लेने आया मुझसे। तो भाई मुझे ना अभी भाई उस चोर से बच के अपने घर पे ये गाड़ी लेके जानी है। चोर पूरी कोशिश करेगा मेरे को मारने की और मेरे पास गाइस लिटरली अभी एक बैट के अलावा ना कोई वेपन नहीं है भाई। भाई अभी कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई इन चोर को, डगन बॉस और एल रूबियो इनको खत्म करने के लिए। तो बाकी मेरी गाइस थोड़ी सी गाड़ी खराब कर दी, इस चोर ने टक्कर मार के ऊपर से मैंने टक्कर मार दी, इसके बीच में थोड़ी सी गाड़ी खराब चल रही है। ओ भैंस की चोर आ गया, ओए ओए ओए, नहीं 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 भाई 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 इसको बताना पड़ेगा, तेरी ऐसी की तैसी बहुत पंगे ले लिए तूने भाई, मेरी तो वैसे भी हिम्मत नहीं हो रही अब तो तेरे से लड़ने की, क्योंकि मेरे पास गन्स नहीं है और तेरे पास गन्स है और ऊपर से भाई मेरी गाड़ी बहुत स्लो है, इसके पास सुपर कार है। कोई बात नहीं मुझे अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से भगाना पड़ेगा और रिपेयर करवानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गंदी हालत हो रखी है मेरी गाड़ी की। तो मुझे गाइस उस चोर से एक बार तो बचना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अभी हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई गन्स नहीं है और पहले से ही माइकल की बुरी हालत हो रखी है और ये चोर भाई मेरा पीछा करने पे लगा पड़ा, वो आ रहा है फिर से, इसको चकमा देना पड़ेगा भाई, अब तो इसको चकमा देना पड़ेगा, किसी भी हालत में इसको चकमा तो देना पड़ेगा, भैंस की टांग इसकी, इसको तो बताना पड़ेगा भाई। तो गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी को काफी ज्यादा तेज भगा रहा हूँ, जितनी तो इसकी स्पीड भी नहीं है इतनी, जिसकी जितनी इसकी मैक्स स्पीड है ना उतने में इसको भगा रहा हूँ, फिर भी भाई वो चोर जो है ना वो हमारा पीछा करता जा रहा है। तो गाइस यार गाड़ी की हालत जो है ना वो तो कुछ ज्यादा ही बुरी हो रखी है, और भैंस की, ओए ओए नहीं 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 भैंस की, इस चोर की ऐसी की तैसी, इसको तो अभी बताना पड़ेगा भाई, ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ये कुछ ज्यादा ही भाई तंग कर रहा है मेरे को, तेरी ऐसी की तैसी चल यहाँ से निकल भाई साहब, ये चोर को भी कुछ बताना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ओ भैंस की भाई माइकल की लिटरली बहुत बुरी हालत कर रखी इस चोर ने, क्योंकि यार ये भी बहुत तगड़ा ड्राइवर है, आप लोगों ने देखा था दुबई में इसने हमको कैसे हराया था, बट तेरे को भी मैं पूरी तेरी गाड़ी को तोड़ूंगा भाई, देख रहे हो गाइस कैसे गाइस जाने ही नहीं दे रहा, कितनी ज्यादा मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। कोई ना गाइस इसको जिस तरह मर्जी बताना तो पड़ेगा, बच गया भाई, तो बच गया भाई मैं एकदम से, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और ये फिर से पीछे आ रहा है, भैंस की ओए गाड़ी ठुकी भाई साहब, गाड़ी की लिटरली बहुत बुरी हालत हो रखी है,
तेरी ऐसी की तैसी। भाई अब मुझे बचना पड़ेगा, बटते इसको मैं बताऊंगा भाई, बहुत गंदा बताने वाला हूँ। अभी मेरी कोई हेल्प के लिए भी नहीं है भाई, और मुझे भाई बहुत ज़्यादा गंदा मार रहा है ये चोर। कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ तरकीब लगा के ना इस चोर से भगना तो पड़ेगा। अभी के लिए मुझे भगना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मेरे पास कोई वेपन नहीं है, मेरे पास गन होती ना इसके मुंह पे एक पिस्टल मारता, और मेरी हालत ऑलरेडी बहुत बुरी और मेरी हालत ऑलरेडी बहुत बुरी हो रखी है, मेरे से बिल्कुल भी चला तक नहीं जा रहा यार। ओ भाई फिर से आ गया ये भैंस की भाई, ये तो यार जीने ही नहीं दे रहा कितना ज़्यादा। तो चलो गाइस अभी मैं ना इस चोर से बहुत ज़्यादा आगे, ओए ओए नहीं 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 भाई क्या ही टक्कर मारी बंदे ने, और मेरी गाड़ी कहाँ आके गलत ही फंस गई। तो चलो गाइस मैं इधर से अपनी गाड़ी को निकाल लेता हूँ, और भाई मेरी गाड़ी अब मुझे नहीं लग रहा ये लेके जाने देगा, क्योंकि गाइस आप लोग को पता है ये गाड़ी हमने मिलिट्री कर्नल को गिफ्ट करी थी, और कितनी ज़्यादा महंगी गाड़ी है ये, जिस हिसाब से ये चोर भाई ये गाड़ी को छोड़ने पे नहीं आ रहा, मजबूत भी बहुत है भाई। कोई ना इससे गाड़ी तो मैं अपनी छुड़वा के जैसे तैसे मर्जी करके ले जाऊंगा, थोड़ी सी माइकल में अभी दम होता ना माइकल में थोड़ा सा तो इसको बहुत गंदा मारता, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। माइकल तो डगन बॉस और एल रूबिन से लड़ बैठा, ये क्या चीज़ है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, इतने बड़े माफिया और इतने बड़े गैंगस्टर से लड़ बैठा है, ये तो छोटा मोटा चोर है भाई, कुछ नहीं है ये। कोई दिक्कत नहीं है, अब इनकी बैंड तो इसकी बैंड तो बजानी पड़ेगी। तो चलो गाइस मुझे लग रहा ना अभी चोर ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया है, तो मुझे ना अभी यहाँ से अपनी गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, और मुझे जल्दी से इसको रिपेयर भी करवाना पड़ेगा, पहले मुझे कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा। तो वेट अ मिनट मैं देखता हूँ भाई, बट मैं गलत जा रहा हूँ, मेरा घर पीछे की साइड है, मैं अपनी गाड़ी, वो देखो भाई फिर से आ गया भैंस की भाई, ये तो यार जाने ही नहीं दे रहा मुझे, ये तो इसकी तो भाई, इसको मैं बताता हूँ अभी तेरी ऐसी की तैसी। तो गाइस अभी ना मुझे इस चोर से बदला तो लेना पड़ेगा, ये है मेरा टाइम चोर से बदला लेने का, उसको पता नहीं है कि मैं उसके पीछे हूँ। अब तेरी खैर नहीं है भाई, तेरे पीछे माइकल है, अब तेरे को बताता हूँ तेरी ऐसी की तैसी भैंस की। भाई ये बंदा गिरा भाई, बहुत गंदा गिरा ये बंदा, इसकी गाड़ी यहाँ पे, बंदा कहाँ गिरा, वेट अ मिनट बंदा कहीं गिरा है भाई, ये रहा तेरी ऐसी की तैसी, देखो तो मैं बताता हूँ भाई साहब मेरी गाड़ी बहुत गंदी फंस गई, एक सेकंड चोर तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को बताऊंगा मैं, बहुत गंदा निकल गई मेरी गाड़ी, वेट अ मिनट तेरे को इससे ऐसे थक्का देने वाला हूँ भाई, ये हमको कहाँ पे यार लोगों की फसलें खराब करने के लिए। ओ भैंस की ये किसने मारा भाई, ओ नहीं 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 भाई ये तो बहुत, ये तो बिग माफिया की गन है भाई, इस बंदे के पास सारा कुछ कैसे है, वेट अ मिनट भाई एक मिनट रुक जा तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब। ओ भाई ये तो गाड़ी की बहुत बुरी हालत कर रहा है भाई, ये मुझे आज गाड़ी लेके नहीं जाने देगा इसको भाई। ओ भाई साहब रुक 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 रुक, ओए भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा फंसा के रखा हुआ इसने मेरे को, वेट अ मिनट भाई ये ट्रक ने हेल्प कर दिया भाई, गाड़ी गाड़ी सीधी हो जा, अबे यार वेट अ मिनट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनने वाली, चल तेरी ऐसी की तैसी ये चोर की दा, चलो 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 गाइस अपने गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाते हैं, बट भाई ये नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ये मुझे पता है। हट गाइस इस बंदे ने मेरी गाड़ी की बहुत बुरी हालत कर दी, अब टाइम है भाई इस बंदे को मारने का, अब तो भाई मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, तेरा एंड मेरे हाथ हो भाई, टेंशन मत ले, कहाँ ये चोर। तो चलो गाइस अभी ना मुझे इस चोर को ढूंढना तो पड़ेगा भाई, ये चोर यहीं पर ही तो था, बट भाई मैंने उसकी इतनी बुरी हालत करी वो एकदम से गायब ही हो गया है, वेट अ मिनट ये रहा तेरी ऐसी की तैसी। चल भाई अब तो तू नहीं बचने वाला, बहुत हुआ तेरा, अब तो तू नहीं बचने वाला भाई, अगर मेरे पास गन होती ना तो इसके बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से इसके मुँह पे गोली बजाता, बट भाई इसका सर फोड़ने वाला हूँ तो मैं, तेरी ऐसी की तैसी, तूने भाई बहुत ज़्यादा काम खराब किया मेरा, तेरी ऐसी की तैसी, चल यहाँ से निकल तेरी ऐसी की तैसी, तेरी चल तेरी ऐसी की तैसी, मुझे तो नहीं लग रहा अब ये जिंदा बचेगा भी। चलो गाइस अब तो भाई इस बंदे को मैंने मार ही दिया है, तो चलो गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी को ना रिपेयर करवा लेता हूँ, ये क्या हुआ था एक सेकंड, कुछ हुआ था क्या, छोड़ो
चलो गाइस अभी ना सबसे पहले मुझे इस गाड़ी को रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो चलो गाइस अब मैं जल्दी से निकलता हूँ इस गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए। तो चलो गाइस हम आ चुके हैं काफी ज्यादा दूर तक, तो भाई मुझे इस गाड़ी को ना तगड़े तरीके से रिपेयर भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत लग्जरी कार है ये, इसको रिपेयर करवा के ना मुझे अपने घर पे जाना है, और जिस हिसाब से अब आजकल आतंक बढ़ रहे हैं ना, मुझे अपनी फैमिली को छुड़वा के अपने लिए अच्छे काम शुरू करने पड़ेंगे। ये काम भाई बहुत गलत पड़ रहे हैं मेरे ऊपर, जिस हिसाब से हम बुरे काम पे बुरे काम करते जा रहे हैं। अभी आप लोग देख पा रहे हो नए दुश्मन बनते जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे सारे पुराने दुश्मन को हम ख़त्म करके नई लाइफ शुरू करेंगे, बट पुराने दुश्मन तो जी ही रहे हैं, ऊपर से नए दुश्मन और बनते जा रहे हैं हमारे, बट कोई दिक्कत नहीं गाइस। अभी मैं अपनी गाड़ी को ना जल्दी से लेके चलता हूँ लॉस्ट कस्टम्स में, और इसको रिपेयर करवा के अपने घर पे रखते हैं यार। तो ओके गाइस हम जो है अपनी गाड़ी को भगाते हुए काफी ज्यादा दूर तक आ चुके हैं, और गाइस यहाँ पे ना आज पता क्या बात हो गई, आज गाइस सब जगह पे लॉस्ट कस्टम बंद पड़ा है, पता नहीं भाई इनकी कोई स्ट्राइक चल रही है कि क्या चल रहा है। अभी मैं बैनी के पास जा रहा हूँ, बैनी मोटरवर्क्स में, जहाँ पे बैनी तो मुझे पक्का पता है नहीं मिलने वाला, बट अपन की जो गाड़ी है उसका कोई ना कोई बंदा हमको हमारी रिपेयर करवा देगा। तो यहाँ पे एक बैनीज मोटरवर्क है, वहाँ पे जल्दी से चलते हैं और अपनी गाड़ी को ना नेक्स्ट लेवल की रिपेयर करवा लेते हैं। और यहाँ पे गाइस इसकी ये थोड़ी गली में जाना है मुझे, तो ये आ चुके हम बैनी मोटरवर्क में, मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा लेता हूँ। तो ओके गाइस यार हमारी जो गाड़ी है ना भाई वो एकदम से चकाचक बना के बैनी के बंदे ने दे दिया भाई साहब, लिटरली देख पा रहे हो। अभी मुझे इस गाड़ी को ना सही ढंग से अपने घर पे लेके जाना होगा, ताकि अभी यार कोई कहीं पे कोई मतलब टक्कर वक्कर ना लग जाए, और इस गाड़ी को ना अभी मुझे सेल करना पड़ेगा। देखो गाइस इस पे भी बहुत सारे पंगे होंगे मुझे पता है इस गाड़ी पे, तो मुझे ना इस गाड़ी को कहाँ पे बेचना है वो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ। मैं इस गाड़ी को नहीं रख सकता, पहली बात इस पे झंडे लगे हुए हैं, दूसरी बात ये मिलिट्री वालों के या कोई जो गवर्नमेंट पे बंदे काम करते हैं उनके लिए होती है, ये हमारे लिए नहीं है। तो मुझे इस गाड़ी को सेल तो करना पड़ेगा, तो मुझे बताओ गाइस मैं इस गाड़ी की ऑक्शन करूँ या ऐसे इसको सेल कर दूँ, प्लीज़ जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में बता दो यार। तो बाकी गाइस हम जो है ना अपनी गाड़ी को ना जल्दी से लेकर चलते अपने घर की तरफ, और भाई इसके बाद हमको अपनी फैमिली को छुड़वाना पड़ेगा, हमारे पैसे तो हमारे घर पे ही पड़े हैं बट गाइस अब अपनी फैमिली को तो छुड़वाना पड़ेगा ना, काफ़ी टाइम से हमारी फैमिली डगन बॉस के हाथ किडनैप है। अब मुझे कल, अभी आज मैं रात को आराम करूँगा, कल जाऊँगा सीधा सिर्फ अपनी फैमिली को छुड़वाने के लिए, और अभी कोई काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले अपनी हमको फैमिली को छुड़वाना है। मैं ड्राइवर को बुला लूँगा अपने साथ में, और भाई अभी तक तो मुझे फ्रैंकलिन का आज तक पता नहीं चला फ्रैंकलिन कहाँ पे है, पता नहीं भाई फ्रैंकलिन को किसी ने किडनैप कर रखा है या क्या दिक्कत है फ्रैंकलिन, मुझे नहीं पता। छोड़ो गाइस कोई बात नहीं, अपन जो है अभी आ चुके अपने घर की तरफ। तो ओके गाइस यार हम जो है ना अपने घर पे आ चुके हैं, और इस गाड़ी को ना मैं सही ढंग से लगा देता हूँ अपने घर के अंदर, क्योंकि अभी गाइस बहुत पंगे होने वाले इस गाड़ी को लेके। थोड़ी सी यार यहाँ पे डेंट आ चुका है, जब इस गाड़ी को ऑक्शन वॉक्शन करने जाएंगे या सेल करने जाएंगे तब रिपेयर मैं दोबारा करवा लूँगा इस गाड़ी को। तो चलो गाइस बाकी मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और अभी मेरी थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो सही हो चुकी है, थोड़ा सा मैं चल पल पा रहा हूँ, और अभी ना मुझे अपने लिए भाई लेस्टर से बात करके अपने लिए सिक्योरिटी विक्योरिटी चाहिए मुझे, ताकि भाई ये जितने पंगे हो रहे हैं ना हमारे साथ ये थोड़े से कम हो सके, माइकल कब तक अकेला ही भाई इन सबसे लड़ता रहेगा। तो बाकी हाँ गाइस यार कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं भाई, अभी यार कुछ ना कुछ तो भाई फैमिली के लिए भी सोचना होगा। तो चलो गाइस मैं अभी कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करते हैं और थोड़ा सा सोचते हैं भाई कैसे हमको अपनी फैमिली को छुड़वाना है, ताकि यार फैमिली भी अपनी यार हमारे साथ आ सके, खुश रह सके। ओ वेट, कुछ हुआ था भाई, एक सेकेंड मुझे ना अपनी गन लेनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरी गन पड़ी है, गन उठा लूँ मैं। तो ओके गाइस मैंने गन ले लिया भाई यहाँ से, और एकदम से मुझे लग रहा है कोई ना कोई फायर कर रहा है। वेट अ मिनट, कौन है भैंस की ये, कौन आ गया भाई एकदम से घर पे तेरी भाई, एक सेकंड। ना 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 भाई 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 ये तो पूरा घर जला देगा, भैंस की कहाँ गया ये तेरी भाई साहब, ये कौन आ गया अब घर पे भाई लड़ने के लिए। वेट अ मिनट, कौन है, ओ इसका हेलीकॉप्टर भाई, इसका हेलीकॉप्टर गिरा बाहर। वेट अ मिनट, कौन आया भाई अब लड़ने के लिए भाई,
माइकल के पंगे ही नहीं खत्म हो रहे, बार बार कोई ना कोई लड़ने के लिए हमसे आ रहा है। तो गाइस एकदम से है था कौन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, मुझे ना अपने घर के बाहर देखना पड़ेगा। भैंस की ये आ गया, ओए वेट भाई, आज तो मेरा मुझे लग रहा है घर जाएगा भाई, सब क्या ही मार रहा है बंदा भाई तेरी। अब एक पिस्टल से, ओ नहीं 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 वेट अ मिनट, नहीं भाई नहीं 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 भाई सब पूरा घर आज तो है, इसका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ। वेट वेट भाई वेट, कहाँ गया इसका हेलीकॉप्टर, मुझे लग रहा है ब्लास्ट हुआ है भाई साहब, ये इसका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ है। भैंस की बंदा कहाँ है, कौन था भाई जिसने अब घर पे पंगा लिया मेरे साथ, कौन था वो भाई, ये तो वही बंदा है ना, ओए तेरी चल तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ देख रहा है बेटा पीछे देख भाई साहब, एक मिनट तेरी ऐसी की तैसी तू भाई साहब, आ गया बेटा नीचे तू तो, चल तेरी ऐसी की तैसी। ये बंदा आ चुका है, अब इस बंदे का ना मैं अंतिम संस्कार करूंगा, ये मर तो चुका है मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मैंने इसके गोली बजाई है। तो भाई साहब जी ये बंदा अभी मेरे हाथ लग चुका है, तो अब तो मैं इसको बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला। ओ भाई इसका खून भी निकल गया, मुझे लग रहा है सच्ची मर गया भाई, बट मुझे अभी भी इस पे श्योर नहीं है। मेरे गैरेज में ना एक जेरी कैन पड़ा है, वो उठाता हूँ। जेरी कैन कहाँ पे है? तो चलो गाइस मुझे मिल चुका है जेरी कैन, और इस बंदे की लाश को तो मैं आग लगाने वाला हूँ। चल तेरी ऐसी की तैसी भाई, वेट अ मिनट, इसकी जेब में एक फ़ोन भी पड़ा है, मैं उस फ़ोन को भी ले लेता हूँ ताकि भाई इसका फ़ोन ना जल जाए, और इसके फ़ोन से मुझे पता चल जाए ये किसके लिए काम कर रहा है। चलो भाई पहले चलो मैं गाइस, अभी मैंने जेरी कैन इसके ऊपर डाल दिया तो मैं इसका फ़ोन निकाल लेता हूँ। तो ओके गाइस मैंने इसका फ़ोन निकाल लिया है, और चल भाई तेरी, चल तू निकल यहाँ से, चल तेरी लाश को भी आग लगा दी मैंने, पूरा मार दिया। अब भाई तू पंगा नहीं लेगा, बहुत पंगे लिए तूने भाई मेरे साथ आके, अब तू कम से कम मेरे साथ आके पंगा तो नहीं लेगा, तेरा अंतिम संस्कार कर दिया हमने। तो गाइज मैंने इसके फ़ोन में चेक कर लेता हूँ अभी ये किसके लिए काम कर रहा है। वेट अ मिनट, मुझे इसका फ़ोन तो मिल चुका है, एक वीडियो आ रखी है, एक सेकंड में इसको प्ले करूँ। ओ भाई साहब, भाई इन्होंने जिमी को कैसे किडनैप किया हुआ है, और भाई ऊपर से ये जिमी को मारते ही जा रहे हैं भाई, ये कौन सी जगह है मुझे ये भी पता नहीं चल रहा, और भाई अब तो मुझे जिमी को बचाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यार मुझे करना ही पड़ेगा। तो गाइस यार जिमी की ये वीडियो देख के मेरी तो पूरी फट गई भाई साहब, जिमी को इन लोगों ने कैसे किडनैप करके रखा हुआ है भाई साहब, अब तो मुझे अपनी फैमिली को छुड़वाना पड़ेगा, अब तो हद से पार हो गई भाई। ये देख के मेरी भाई बहुत ज़्यादा मेरा खून खोल रहा है, जो मेरे पास इतने सारे पैसे पड़े हैं ना, सबसे पहले उन सारे पैसों का मैं ना सबसे पहले अपने लिए गन्स सिक्योरिटी सब खरीदने वाला हूँ, और जिमी और अमेंडा और ट्रेसी इन सबको बचाने वाला हूँ। तो गाइस करते हैं इस वीडियो का एंड, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छे से कमेंट भी कर देना, वीडियो को तुम आगे शेयर भी कर देना, मेरे से बात करने के डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Stable, oh yeah.